धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं। चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों ना तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा। गंधर्व मलय केतु, ये नन्ना सा बालक अकेले इस भयानक वन में क्या कर रहा है? देखते नहीं गंधर्व राज चित्ररथ भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। ये बालक अवश्य ही उनका मन जीतने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो चिंता का विषय है गंधर्व राज। है तो सही, कहीं इसकी तपस्या हमारे स्वर्ग के स्वामी के लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। तब तो हमें तुरंत देवराज इंद्र को सूचित करना चाहिए। चलो कहीं देरी ना हो जाए।
देवराज 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 देवराज। क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? क्या हुआ गंधर्व मलय केतु, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कहीं कोई अनर्थ हो गया? अनर्थ हुआ तो नहीं देवराज, पर हो अवश्य सकता है। स्वर्ग पर संकट की छाया है। क्या कह रहे हो, तुम तो लगता है अपना मस्तिष्क ही खो बैठे हो। तुम बताओ मलय केतु, क्या बात है? हम दोनों एक वन से जा रहे थे कि हमें एक छोटा सा बालक भगवान विष्णु की तपस्या में मग्न दिखाई दिया। तो क्या हुआ? उसके सामने फलों से भरी थाली रखी हुई थी, सारे फल सूख चुके थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने आहार भी त्याग दिया है। बड़ी कठिन तपस्या लग रही थी उसकी। एक बालक क्या और उसकी तपस्या क्या गंधर्वराज, हमें इससे क्या भय? हमारे मन में उसे तपस्या करते देख कर भय समा गया कि कहीं वो भगवान विष्णु से इंद्रासन ना मांग ले। मेरा आसन, ये क्या कह रहे हो? गंधर्व मलय केतु सत्य कह रहे हैं देवराज। धरती लोक के वासियों की दृष्टि सदैव इंद्रासन पर लगी रहती है। इंद्रासन इतना महान है कि हर कोई उसे लेना चाहता है। स्वर्ग को कौन नहीं जीतना चाहता देवराज? तुम दोनों ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। नारायण नारायण। बड़ी शुभ घड़ी में पधारे आप देवर्षि। मैं सोच ही रहा था कि अपनी चिंता का भागीदार किसे बनाऊं, कि आप आ गए। मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो स्वयं को धन्य समझूंगा। आपको ज्ञात है कि एक बालक वन में भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूं। उस बालक का नाम ध्रुव है। क्यों कर रहा है वो तपस्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है देवराज। क्या आप किसी को तपस्या करने का भी अधिकार नहीं? परंतु उसकी तपस्या का कोई तो उद्देश्य होगा। तपस्या, साधना, भक्ति और आराधना, ये व्यक्तिगत कार्य हैं देवराज। जो जिसकी पूजा करता है वही उसका उद्देश्य समझता है। आराधक और आराध्य के बीच आने का किसी को भी अधिकार नहीं। मुझे इतना भोला न समझिए देवर्षि। धरती के वासी स्वार्थ के बिना ईश्वर की पूजा भी नहीं करते। इस बालक का भी अवश्य ही कोई स्वार्थ है। मानता हूं देवराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ध्रुव के विषय में कहना उचित न होगा। क्यों? मानव लोक के वासियों के मन में साधारणतया दो ही प्रलोभन होते हैं, या तो उन्हें सत्ता का लोभ होता है या फिर धन का। ध्रुव महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र है, सो उसे सत्ता का क्या लोभ होगा? सत्ता तो आज नहीं तो कल उसके हाथों में आनी ही है। और आप तो जानते ही हैं देवराज कि धरती पर जिसके हाथों में सत्ता होती है उसके चरणों में धन का ढेर लग जाता है, सो ध्रुव को धन का भी लोभ नहीं हो सकता। हमारे गंधर्व तो कुछ और ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं आपके गंधर्व? इनका विचार है, और हमारे विचार में इनका विचार कुछ अनुचित भी नहीं, कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमारा सिंहासन मांगने वाला है। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी हुई। युग बदले, शताब्दियां बदली, कल्प बदले, मनवंतर बदले, पर नहीं बदले तो आप। उधर क्षण भर को किसी ने साधना में आग क्या बंद कर ली, इधर आपका सिंहासन डोल गया। विश्वास कीजिए देवराज, ध्रुव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं देवर्षि की इंद्रासन पर सबकी आंखें लगी रहती हैं। पहले भी कई बार कई लोग इसे हत्याने का प्रयास कर चुके हैं। मुझे यही चिंता है।
आपको चिंतित रहने का इतना अभ्यास हो चुका है देवराज कि यदि आप चिंतित न लगें तो अधूरे से लगते हैं। ध्रुव की दृष्टि में इंद्रासन तुच्छ है, उसकी दृष्टि तो कहीं और ऊंचाई पर लगी हुई है। परंतु आप चाहते क्या हैं देवराज? मैं चाहता हूं कि उसकी तपस्या में बाधा पड़ जाए, उसकी साधना टूट जाए। आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं देवराज, किंतु इतना जान लीजिए कि ध्रुव के मन में जो सूर्य उदय हो चुका है उसे विरोध की कोई भी घटा ढांप नहीं सकती। उसके जीवन में जिस सुगंध ने जन्म ले लिया है उसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगा उसे, आप देखते जाइए। अवश्य दिखाइए, मुझे तो यूं भी आपकी लीला देखने में बड़ा आनंद आता है। नारायण नारायण। रक्षिता, आज्ञा देवराज। रक्षिता, तुम्हें अभी इसी समय धरती पर जाना है, उस वन में जाना है जहां एक नन्हा बालक ध्रुव भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है। तुम्हें उसकी तपस्या भंग करनी है। जो आज्ञा देवराज। उसकी तपस्या भंग करने का ढंग मैं बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव, मेरे पुत्र, तू यहाँ है और मैं तेरी खोज में न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। भगवते वासुदेवाय, आंखें तो खोल मेरे राज दुलारे, देख, देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। देख तेरे वियोग में मेरे क्या दशा हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम। अरे भगवते वासुदेवाय, तू तो मेरी बात ही नहीं सुनता। नमो भगवते वासुदेवाय, पहले मेरी एक पुकार पर मेरे पास दौड़ा चला आता था, मेरी बाहों में समा जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तुझे क्या हो गया है ध्रुव? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। न जाने किसने जादू टोना कर दिया मेरे राजकुमार पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरे लाल, बंद कर दे अपनी तपस्या, तेरी इच्छा पूरी हो गई है। ओम नमो महाराज, तुझे अपनी गोद में बिठाने को तैयार हो गए हैं। तेरी विमाता सुरुचि ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली है। चल मेरे लाल, राजमहल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय मेरे भाग्य, मेरी आंखों की तारी, मेरे मन के चैन, ये तेरी आयु नहीं तपस्या करने की। अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, तूने अभी जीवन में देखा ही क्या है। तुझे मेरी सौगंध, बंद कर दे ये जाप। यदि तूने ये जाप नहीं बंद किया तो मैं अभी यही तेरे सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो।
तुमने खाना छोड़ दिया है, यदि पानी पीना भी छोड़ दो तो भगवान विष्णु और भी शीघ्र तुमसे मिलने आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कैसा संकल्प है, यह कैसा विश्वास, सब संकट सहती गई प्रभु दर्शन की आस। देवलोक में मच गया भीषण हाहाकार, डिगा नहीं सब हो। हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, न जाने क्यों मेरा मन कांप रहा है। कोई डरावना भय मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। कहीं मेरे पुत्र के प्राण संकट में तो नहीं। हे दया सागर, इस दुखियारी माता पर दया करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। मेरे पाप का दंड मेरे पुत्र को न देना परमेश्वर। उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तू क्या करने आई है यहां? इसकी ममता के संसार में आग लगाकर उसके चलने का दृश्य देखने आई है? नहीं महाराज। क्या मिला तुझे हमारा सुख चैन छीन कर? धिक्कार है तुझे, चली जा। जा चली जा, नहीं तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। जाने दीजिए स्वामी, जाने दीजिए। आप नहीं जानती महारानी सुनीति, यह सब इसी दुष्नारी का किया धरा है। ना ये ध्रुव को हमारी गोद से उतारती और ना हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ते। मैं कहता हूं चली जा, चली जा यहां से, कहीं मेरे हाथों से तेरी हत्या ना हो जाए। ऐसा मत कहिए स्वामी, सुरुचि को दोष देकर हम केवल अपने मन को बहला सकते हैं। ये तो नियति का खेल है। भाग्य में पुत्र वियोग लिखा था, सुमिल कर रहा, इसमें सुरुचि क्या करती? मैं नहीं मानता, भूल हम करते हैं और दोष हम भाग्य को देते हैं। ध्रुव सदैव इसकी आंखों में कांटे की तरह खड़कता रहा, इसी के कारण हमारा पुत्र राजमहल छोड़कर चला गया। मैं जानता हूं इसे, ये बड़ी अभिमानी है, बड़ी निर्दयी है ये। इसकी महत्वाकांक्षाओं का भी कोई अंत नहीं और इसे किसी के दुख का भी कोई ध्यान नहीं। मैं तो कहता हूं कि यदि इसका उत्तम कहीं चला जाता तो इसे पता चलता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? दुखी होने का अर्थ ये नहीं कि कोई अपना विवेक ही खो दे। भगवान ना करे हमारा उत्तम कहीं चला जाए, वही तो इस राजभवन का कुलदीपक है। हमारा एक पुत्र तो न जाने कहां भटक रहा है। आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा पुत्र भी हमसे दूर हो जाए? उत्तम केवल सुरुचि का ही पुत्र तो नहीं, वो मुझे भी माता कहकर पुकारता है। आप नहीं जानते
जब मुझे माता कहकर पुकारता है ना, तो घड़ी भर को मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मेरा ध्रुव मेरे पास नहीं है। उत्तम के लिए कोई भी शब्द आप अपने मुंह से मत निकालिएगा। सुना तुमने सुरुचि? सुनी तुमने इस दुखियारी माँ की बातें? ऐसी होती है ममता, इसे कहते हैं माता। तुमने इसके पुत्र के विरुद्ध क्या कुछ नहीं किया, पर यह तुम्हारे पुत्र के विरुद्ध कुछ भी बुरा सुनने को तैयार नहीं है। तुम इसे दुख देकर कितनी प्रसन्न थी, और ये तो इस विचार से दुखी है कि कहीं तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। कितनी महान है ये, और तुम कितनी छोटी हो। तुम धिक्कार है तुम्हें सुरुचि, धिक्कार है तुम्हें। अग्निदेव, अग्निदेव कहाँ हैं आप? अग्निदेव, अग्निदेव शीघ्र आइए। मेरी योग्य सेवा देवेंद्र। रक्षिता का अभियान विफल हो गया। उस ढीठ बालक ध्रुव ने मंत्र का जाप नहीं बंद किया, उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं देवराज? अब आप उस बालक के चारों ओर अग्नि का ऐसा घेरा डाल दीजिए कि वो भयभीत होकर मंत्र ही भूल जाए। जैसे भी हो उसे रोकिए, उसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें देवराज। वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या हो रहा है ये सब? बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान दैत्य मेरी शक्ति का लोहा मान गए, बड़े बड़े दानव मुझसे टकराकर चूर चूर हो गए, पर ये छोटा सा बालक किसी के वश में नहीं आ रहा। आप तो बड़े प्रतापी हैं अग्निदेव, आप भी उस नन्हे बालक से हार कर चले आए। क्षमा करे देवराज, परंतु वह नन्हा सा बालक भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। जाप कर रहा है तो क्या? आप तो जानते हैं देवराज, जो भी मन से भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे
उसके शरीर में दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है और इस समय ध्रुव के शरीर में मुझसे भी अधिक ताप है। मेरी लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसके और निकट क्यों नहीं गए? उसके सर्वथा निकट जाकर उसे भयभीत करना चाहिए था। असंभव था देवराज, यदि मैं उसके निकट जाता तो स्वयं भस्म हो जाता। और इस समय उसमें जो शक्ति है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा अग्निदेव। ध्रुव के शरीर में जो शक्ति आ गई है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उस शक्ति का नाम भक्ति है। अग्नि, जल, आंधी, झंझा, बाढ़, ऐसी कोई भी विपदा ध्रुव को डिगा नहीं सकती। एक बात कहूं देवराज? कहिए देवर्षि। बात क्या? एक छोटा सा परामर्श है आपके लिए। तो प्रदान कीजिए। अग्निदेव, ध्रुव के पास जो ज्वाला चक्र छोड़ आए हैं वह ध्रुव का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वन के निर्दोष पशुओं को अवश्य क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए यदि आप उचित समझें तो अपने इस क्रोध की अग्नि को शांत कर लें। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। अग्निदेव, हमारी चिंता का विषय तो वह बालक ध्रुव है, जंगल के वे निर्दोष प्राणी नहीं। कृपया आप शीघ्र जाइए और जंगल में लगी ज्वाला को शांत कर दीजिए। जो आ गया देवराज। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। क्या बात है? आप लोगों के मुख देखकर तो ये लग रहा है कि अवश्य कोई अशुभ समाचार है। हाँ राजगुरु, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई जा रही है। क्यों? समस्त राज्य में असंतोष फैला हुआ है। असंतोष? पर क्यों? प्रजा पर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ है? प्रजा में यह भावना फैल गई है कि राजकुमार ध्रुव के जाने का कारण महारानी सुरुचि है और उनके विरुद्ध बहुत क्रोध फैला हुआ है। यदि प्रजा का यह क्रोध राजभवन की ओर मुड़ गया तो अराजकता फैल जाएगी। केवल आप ही महाराज को यह परामर्श दे सकते हैं कि वे प्रजा की भावना को शांत करने के लिए कोई उपाय करें। नहीं महाराज, इस स्थिति में नहीं कि वो कोई परामर्श दे सकें या ले सकें। पुत्र वियोग ने उन्हें निथाल कर रखा है। उन्हें तो ये सूचना देना भी उचित नहीं कि राज्य में असंतोष फैल रहा है। परंतु अब क्या किया जाए राजगुरु? कहने को तो देश राजा का ही होता है, उस पर राज्य करना, उसे संभालना राजा का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। परंतु इन कार्यों को संपूर्ण करने में राजा जिन लोगों की सहायता लेता है वह भी उत्तरदायी होते हैं। रात्रि का अंधकार दूर करने का उत्तरदायित्व केवल चंद्रमा पर नहीं, उन तारों पर भी है जो चंद्रमा की चारों ओर चमकते हैं। यदि प्रजा में असंतोष फैला है तो उसे दूर करने का उत्तरदायित्व मुझ पर और आप पर भी है।
अब प्रजा को समझाइए कि राजकुमार ध्रुव जिस अभियान पर निकले हैं, भगवान से विनती करें कि वो अभियान पूरा हो। ध्रुव का अभियान पूरा हो गया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जाइए और प्रजा को समझाइए कि राजभवन में बिखरे दुख को अपनी भावनाओं से और बढ़ावा न दे और ध्रुव की रक्षा और इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करे। जो आज्ञा राजगुरु। महाराज, राज्यसभा का समय हो गया है, आप यहां क्या कर रहे हैं? संसार के दुखों से पीड़ित होकर भगवान के चरणों में शरण ढूंढ रहा हूं राजगुरु। क्षमा कीजिए महाराज, आप भगवान के चरणों में शरण नहीं ढूंढ रहे हैं, आप तो जीवन के कड़वे सत्य से घबराकर पलायन का मार्ग खोज रहे हैं, वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं। ये सच है राजगुरु, परंतु जिस चुवारे ने एक ही दाव में अपना सब कुछ हार दिया हो वो और कर भी क्या सकता है? जीवन युद्ध कीड़ा नहीं है महाराज, ईश्वर ने मानव को जीवन कर्म क्षेत्र के रूप में दिया है, आप इसे कर्म भूमि से पलायन की शरण स्थली बना रहे हैं। मैं हार चुका हूं राजगुरु, मैं हार चुका हूं, मैं इस कर्म क्षेत्र में जीवन का एक महायुद्ध हार चुका हूं। महाराज, किसी राजा का युद्ध हार जाना बड़ी बात नहीं है, पर किसी राजा का साहस हार जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजा का साहस व्यक्तिगत विषय नहीं होता, उस साहस के साथ प्रजा की आशाएं और उमंगें जुड़ी होती हैं, उस साहस के साथ प्रजा का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। तो फिर मैं क्या करूं राजगुरु, मैं क्या करूं? उठिए और प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाइए। जो अपने परिवार का कल्याण ना कर सका वो प्रजा का कल्याण क्या करेगा राजगुरु? यही तो आपकी भूल है महाराज, आपने केवल राजभवन की चार दीवारी के भीतर रहने वालों को अपना परिवार समझ लिया है, पर वो प्रजा जो आपकी जय जयकार करती है, वो सैनिक जो आपके एक संकेत पर अपने प्राण नौछावर करने उठ खड़े होते हैं, क्या वो आपका परिवार नहीं है? राजा का वास्तविक परिवार तो उसकी प्रजा है। प्रजा के दुख पर दृष्टि डालिए, आप अपने दुख भूल जाएंगे। यदि कोई वृक्ष फल न दे सके तो उसकी महत्ता में कुछ कमी आ सकती है, पर यदि कोई वृक्ष छांव ही न दे सके तो उस वृक्ष का महत्व ही नहीं रहता। राजा वो वृक्ष होता है जिसके तले प्रजा को सुख और न्याय की छांव मिलती है। अपनी प्रजा को इस छांव से वंचित न कीजिए महाराज, उठिए अपना उत्तरदायित्व तो निभाने की सोचिए। मैं प्रयत्न करूंगा राजगुरु, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं महाराज, साहस कीजिए। महाराज, यदि आपको मेरा परामर्श स्वीकार नहीं है, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मुझे कहने दीजिए कि मैं आपके और राज्यसभा के योग्य नहीं हूं, यहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ठहरिए राजगुरु, ठहरिए। राजगुरु, मैं जीवन में बहुत कुछ खो चुका हूं,
यदि आप जैसा महापुरुष और मार्गदर्शक भी मैंने खो दिया तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया है, मैं आपका आभारी हूं। स्वामी, हे कमल नयन, जब त्रिलोक में उजाला फैलता है, जब धरती पर वसंत झूमता है, जब कमल खिलते हैं, जब पुष्प अपनी सुगंध फैलाते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आप मुस्काए हैं। ये सारे दृश्य आपकी मुस्कान की ही छवि हैं। विधाता ने मुस्कान की रचना ही इसलिए की कि वो आपके अधरों की शोभा बढ़ाए। पर अभी अभी मैंने आपके अधरों पर जो मुस्कान देखी उसमें एक विचित्र ज्योति, एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया मुझे, जैसे आपके अधरों से मुस्कान नहीं किरण फूट रही हो। कोई मुझे आनंद विभोर कर रहा है देवी। अवश्य ही सृष्टि के किसी भाग में भक्ति के प्रकाश का उदय हो रहा है। मुझे एक विचित्र आनंद का अनुभव हो रहा है। हो न हो, ये मेरे ध्रुव की भक्ति का ही चमत्कार है। उसके रोम रोम में केवल आप ही बसे हैं सर्वेश्वर। उसके हृदय में झांक कर देखे तो केवल आपकी छवि ही दिखाई पड़ेगी। क्या है वत्स, मैं यही हूँ तुम्हारे निकट, क्या बात है? मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे मन में आ गए हैं। मुझे लग रहा है जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर विराजमान है। अहो भाग्य, तब तो चमत्कार हो गया पुत्र, तुम्हारी तपस्या ने भगवान विष्णु का मन जीत लिया। मुझे तुम पर गर्व है, तुम धन्य हो पुत्र। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे शिष्य होने के अधिकारी थे। पर वे मेरे सामने क्यों ले आए? उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र, जिसके मन में भगवान विष्णु रम गए हों, उसे और क्या चाहिए? उसका तो जन्म सफल हो गया। तो मेरी बात मानो, मंत्र के जाप को विराम दो, अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौटने की तैयारी करो। नहीं गुरुदेव, ना मैं मंत्र का जाप छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा, ना घर जाऊंगा। क्यों, अब और क्या पाने को शेष रह गया है? अभी तो भगवान विष्णु केवल मेरे मन में आए हैं। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु मेरे सामने आए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। किंतु क्यों? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी मांगे तो बढ़ती जा रही है पुत्र, और जैसे जैसे तुम्हारी मांगे बढ़ रही है
वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। क्या पूछना चाहते हो तुम? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा गया? मुझ पर अन्याय होता देखकर मेरे पिताश्री क्यों चुप रहे? संसार में ऐसा अन्याय क्यों होता है? ये भगवान को मेरे सामने आना ही होगा, नहीं तो मैं यूं ही भूखा प्यासा रहूंगा। सुनो पुत्र, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना कुछ मिल गया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका मन जीतने वाले तुम पहले सबसे छोटी आयु के बालक हो। अब और हठ न करो। भगवान विष्णु तुम्हारे मन में रम गए हैं तो समझो तुमको मिल ही गए। नहीं गुरुदेव, मैं उनको अपने सामने लाकर ही रहूंगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा पुत्र, वो तुमसे नहीं होगा। आप बताइए तो सही, मैं अपने भगवान को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु उससे तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है पुत्र। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे तो बस भगवान विष्णु को देखना है। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। नारायण नारायण, न जाने कैसे हठी बालक से पाला पड़ा है, अब इसके बाल हट का मैं क्या करूं? मुझे बताइए ना मुझे क्या करना है। नहीं पुत्र, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन कार्य है। मैं कर लूंगा, आप बताइए तो सही। अच्छा तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। कैसे? सुनो पुत्र, एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से अपनी श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तब तक जाप करो जब तक स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख साक्षात न आ खड़े हों। क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? धरती पर हाहाकार मचा हुआ है देवराज। धरती पर समय की गति रुकी जा रही है प्रभु। बालक ध्रुव यदि यूं ही श्वास रोके रहा तो प्रलय आ जाएगी देवराज। कुछ कीजिए देवराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, इसका कुप्रभाव रोकना मेरे वश की बात नहीं है देवगण। हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, अब वही इसका कोई उपाय बता सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, कोई उपाय कीजिए, नहीं तो बालक ध्रुव के कारण अनर्थ हो जाएगा। उसने श्वास रोककर संसार की सारी गतिविधि ही रोक दी। यह स्थिति थोड़ी देर और रही तो संपूर्ण जगत का सर्वनाश हो जाएगा। जगत की रक्षा कीजिए भाग्य विधाता। मैं क्या कर सकता हूं देवराज, मैं अपनी सीमा लांघकर तो नहीं जा सकता। मैंने जगत की रचना कर दी, यही मेरी सीमा थी। जगत की रक्षा तो केवल वही विश्वाधार पद्मनाभ लक्ष्मीपति करुणा सागर भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। और फिर ध्रुव, मेरा नाम तो नहीं जप रहा है कि मैं उसे शांत कर दूं। वो तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। इस समस्या का संबंध उन्हीं से है।
और समाधान भी केवल वही कर सकते हैं। हमें मिलकर उनकी सेवा में चलना होगा। संसार को इस संकट से वही उबार सकते हैं। त्राहिमाम 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 प्रणाम हे नारायण। हे लक्ष्मीपति, हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हे त्रैलोकीनाथ, सृष्टि की रक्षा कीजिए, नहीं तो आपकी सृष्टि को प्रलय आने से पहले ही एक महाप्रलय नष्ट कर देगी। ध्रुव ने जब से श्वास रोककर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप आरंभ किया है, सारे संसार में वायु की गति रुक गई है, प्राणियों के दम घुट रहे हैं। प्रभु, ध्रुव को रोकना मेरे वश में नहीं है। भगवान, यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। आप सृष्टि के रक्षक हैं, उसके पालनहार हैं। हम सब विनती करते हैं, आप ही ध्रुव की समस्या का कोई उपाय कीजिए प्रभु। समस्या बहुत गंभीर हो गई है। अब बात केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही। ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया है। अब तो हमें जाना ही होगा अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए, और फिर किसी और की भांति हमें भी तो ध्रुव के प्राणों की चिंता है। वासुदेव, वासुदेव, आप कहाँ चले गए? वासुदेव, ध्रुव हो गया ऐसा भक्त महान, शक्ति दिखाई भक्ति ने, प्रगट हुए भगवान। वासुदेव, मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव। तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना? तो लो, देखो, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझसे मिलना चाहते थे,
मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न है तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताशी को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताशी के गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताशी ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है? हाँ भगवान। मेरे निकट आओ। और निकट आओ वत्स। आओ वत्स। मेरी गोद में बैठ जाओ। अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप हैं। अच्छा वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ना कोई कामना है ना कोई इच्छा, आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। दुनिया ने देखी नहीं प्रभु से ऐसी प्रीत, नन्हे बालक ने लिया वासुदेव को जीत। प्रश्नों के उत्तर मिले सफल हुआ सब कुछ उसने पा लिया जिसे मिले भगवान, जिसे मिले भगवान। नहीं वत्स, मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारा घर तो वो कर्म भूमि है जिसका नाम है जीवन, संसार। भक्ति से तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके एक पुत्र धर्म को निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है तुम्हें, कि फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा ना जाए, मेरी खोज में यूं भटकना ना पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे ना, तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा।
मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे जहां तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स। वासुदेव मुझे बताइए कि कर्म क्या है। कर्म पूजा है वत्स, कर्म यज्ञ है, कर्म जीवन है, जीवन का आदर्श है। और जीवन क्या है देव? जीवन जीवन एक सौभाग्य है पुत्र, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है, संसार की सेवा करने का अवसर, परिवार की सेवा करने का अवसर। परिवार क्या है प्रभु, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र, परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स, और यही मेरा मंत्र भी है। ये सारा संसार मेरी ही संतान है, संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है वत्स। ध्रुव, परंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है जो प्राणी को मरकर भी अमर बना देता है। वत्स, जीवन की कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है वत्स, तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। जब तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे तभी समाज का कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा तभी सारे संसार का कल्याण होगा वत्स, यही विधि का विधान है। जाओ वत्स, अपने कर्म की ओर बढ़ो, जीवन में उतरो, संसार में प्रवेश करो, यशस्वी भव। यशस्वी भव। प्रणाम वासुदेव, आपने मुझे धर्म, कर्म, जीवन, मृत्यु सबके अर्थ बता दिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इन्हें तो तुम पहचानते ही हो पुत्र, इनसे तुम कई बार मिल चुके हो। ये विष्णु प्रिया है, तुम्हारी माता लक्ष्मी। क्या ये माता, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों पुत्र? आप चाहती तो मुझे बहुत पहले भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती, बिठा देती तो आपका क्या बिगड़ जाता? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता पुत्र, पर मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र। हर माता यही चाहती है कि उसका पुत्र महान बने। यदि मैं तुम्हें भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती तो तुम वो ना बन पाते जो आज हो। अब तुम एक महान भक्त बन चुके हो। मैं तुम्हारी सहायता करती तो मैं महान कहलाती, तुम्हारी महानता छिपकर रह जाती। मेरे स्वामी का तो यही संकल्प है कि हर मानव का कल्याण हो, मैं भी उन्हीं का संकल्प पूरा कर रही थी। आप महान है माता, मैं समझ गया कि आपने क्या किया और क्यों किया। मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। प्रणाम। नारायण नारायण। गुरुदेव देखिए देखिए क्या चमत्कार हो गया, यह भगवान विष्णु है और लक्ष्मी माता, ये सब मुझसे मिलने आए हैं। ये सब आप ही के कारण हुआ, आप ही की कृपा से हुआ। आप महान है गुरुदेव। नहीं पुत्र,
तुम महान हो। तुमने अपनी भक्ति से ब्रह्मा का लेख बदल दिया। नहीं गुरुदेव, आपसा मार्गदर्शक मुझे न मिलता तो ये सब कैसे होता? ध्रुव ठीक कह रहा है देवर्षि, गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भव पुत्र। प्रभु, यदि आपकी और माता की अनुमति हो तो मैं वत्स ध्रुव को महाराज उत्तानपाद की राजधानी पहुंचा दूं। नहीं देवर्षि, आप अकेले नहीं जाएंगे, ध्रुव को विदा करने हम सब साथ मिलकर जाएंगे। आइए माते। क्या बात है स्वामी, आप यहां एकांत में क्या कर रहे हैं? एकांत? एकांत के सिवा मेरे जीवन में राय क्या है? महारानी सुनीति, लोग तो कहते हैं कि एकांत में मन को शांति मिलती है, पर यह एकांत, एकांत बड़ा निष्ठुर है। मेरा एकांत अपने सात पुत्र ध्रुव की मधुर स्मृतियों की भीड़ लाता है। इस एकांत का मौन बड़ा ही निर्दयी है। ये चिल्ला चिल्ला कर मुझसे प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर मेरे पास नहीं। ये पूछता है कि पुत्र ध्रुव क्यों चला गया, कहां चला गया। इस एकांत का हर जाता हुआ पल मुझ पर दोष लगाकर जाता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने संसार में आग लगाई थी, और हर आता हुआ पल यह संदेश लेकर आता है कि यह एकांत ही मेरा दंड है। पुत्र ध्रुव के बिना मेरा जीवन अभिशाप बन गया है, और यह अभिशाप मुझे जीवन भर भोगना है, जीवन भर भोगना है।
आयुष्मान भव पुत्र। ध्रुव तुम? हाँ मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद मुझे? मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? आपने जो मुझ पर उपकार किया? उपकार नहीं किया पुत्र, मैंने तुम पर अत्याचार किया है, अत्याचार किया है मैंने तुम पर। नहीं माते, आपने तो मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तब भी उसे चुका न पाऊंगा। मत कहो मुझे माते, मत कहो, मैं इस पवित्र शब्द के योग्य नहीं हूँ। माता वो होती है जो अपने आंचल से संतान को सुख की छाव देती है, जिसका मन प्यार का भंडार होता है। मैंने तो तुमसे केवल घृणा की है, तुम्हें केवल दुख दिया है। मैं घृणा की पात्र हूँ, घृणा की पात्र हूँ। महारानी सुनीति से मुझे ईर्ष्या थी, उसका बदला मैंने तुमसे लिया पुत्र। मैंने ही तुम्हें महाराज की गोद से उतारा, मैंने ही तुम्हें वन में भटकने पर विवश कर दिया, मैंने ही एक नन्हे से बालक को यातना झेलने पर विवश कर दिया। मैं माता नहीं कुमाता हूँ, कुमाता हूँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता हो ही नहीं सकती, वो तो देवी के सम्मान होती है, पवित्र और पूजा के योग्य। आप भी मेरे लिए पूजा के योग्य है, भूल गए आप? आपने तो मुझे भगवान विष्णु का नाम बताया था, आपने तो कहा था कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करूं। सच पूछे तो आप ही के कारण मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे भगवान, जिस बालक के प्रति मैंने इतने अन्याय किए वही आज मुझे अपनी महानता का कारण समझ रहा है। तुम महान हो पुत्र, तुम महान हो। क्या कर रही है माते? मुझे अपने चरण छू लेने दो पुत्र, कदाचित मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। जिस दिन माता को पुत्र के चरण छूने पड़े उसी दिन का नाम महाप्रलय होगा। मुझे अपने गले लगा लीजिए माते, मैं धन्य हो जाऊंगा। पुत्र, मेरा पुत्र ध्रुव। मेरा पुत्र ध्रुव। ये सब भागी का खेल है स्वामी। नहीं, ये कहकर मैं स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। इन तर्कों से मेरे मन को शांति नहीं मिलती। यदि आज मैं पुत्र ध्रुव का मुख देखने को तरस रहा हूं तो ये भाग्य का खेल नहीं, मेरे कर्मों का दुष्परिणाम है। जो कुछ भी हुआ मेरे ही तो कारण हुआ। मुझे तो लज्जा आती है अपने आप से, अपने इस जीवन से। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। माना आज हमारा जीवन अंधेरी रात्रि है, किंतु रात्रि कोई भी हो किसी ना किसी ढंग से अवश्य ढल जाती है। कब ढलेगी ये रात्रि, कब होगी भोर, क्या सवेरा तब होगा जब नेत्रों की ज्योति मर चुकी होगी
जब प्राणों के दीपक बुझ चुके होंगे। ऐसा नहीं होगा महाराज, दुख के दिन बीत चुके हैं। तुम क्यों आई हो? तुम तुम्हें देखते ही मुझे सब अशुभ घटनाएं याद आ जाती हैं। ये सत्य है महाराज, मैंने आज तक जो भी किया अशुभ ही किया। मैंने कभी आपको कोई शुभ समाचार नहीं दिया, किंतु आज आज मैं आपको शुभ समाचार सुनाने आई हूं महाराज। तुम और शुभ समाचार? बबूल के वृक्ष पर आम नहीं फलते सुरुचि। महाराज, भगवान विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये देखिए। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। ध्रुव मेरे लाल, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था ध्रुव? ध्रुव मेरे पुत्र, आपका लाल महान बन चुका है महारानी, इसे भगवान विष्णु स्वयं दर्शन दे चुके हैं। मेरे छोटे से भगवान, मुझे क्षमा कर दो। किंतु आपको भी किसी को क्षमा कर देना होगा। किसको क्षमा करना होगा? इन्हें, मेरी छोटी माता को। इसे? हाँ इन्हें, ये न होती तो मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कैसे होते? इन्हीं के कारण तो मैं भगवान विष्णु की खोज में निकला था। आओ माते। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्या कर रही हो? ध्रुव भैया, ध्रुव भैया। त्याग तपस्या भक्ति से जीत लिया भगवान, धन्य हुआ संसार सब पाकर भक्त महान। ऐसा था निश्चय अटल, ऐसा था विश्वास, ध्रुव ऐसा तारा बना चमक उठा आकाश, चमक उठा आकाश।